सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रात 2:30 बजे यहाँ पर जो है एक कंटेनर पलटी हो गया, जिससे यहाँ के स्थानीय रहवासियों में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया और घटना की जो है खबर स्थानीय पुलिस स्टेशन को दिया गया और पुलिस वाले यहाँ पर आए। अरे, हमने इस मौके पर जो है यहाँ के सहायक पुलिस निरीक्षक बरगे साहब से भी बात किया और कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात किया। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। वही टाइम पे मिले हैं। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी ड्राइवर किधर है? जो चला रहा था वो ड्राइवर किधर है? ड्राइवर को अरेस्ट किया है, वो मुमरा पुलिस चौकी में है। और अभी क्या मतलब ये क्रेन वाले को सूचना दिया गया, कब उठाया जाएगा? हाँ, क्रेन शायद हम दिन से पहले ही निकलेंगे, उजाला से ही निकलेंगे। वो क्या, ड्राइवर का कंट्रोल नहीं, कंटेनर गाड़ी नंबर नहीं, नहीं पिया वगैरह नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इससे पहले लोग ने अभी रमजान के टाइम पे बंद किया था, वैसे अभी भी बंद करते, जरूरत नहीं थी क्या इतनी जल्दी बाईपास चालू करने की? हादसे का जिम्मेदार कौन है? खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे अगर ट्रक चले जाती, लोग मर जाते, तो इसके जिम्मेदार कौन होते? ये सिर्फ कैसा ओपनिंग करने आ रहे लोग और काम करने से एकदम दूर हट रहे। अगर इंशाल्लाह एक महीने का टाइम, अगर इंशाल्लाह इन लोग ने काम नहीं किए सही से, तो समाजवादी पार्टी धरना मोर्चा करेगी, आंदोलन करेंगी और फेकू आंदोलन जरा भी नहीं करेगी। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी और शिवसेना जिस तरीके से रातों रात ओपनिंग करी है, मुझे ये नहीं लगता कि अगर रमजान से पहले बाईपास बंद किया गया था तो बाईपास बंद इसके लिए किया गया था क्योंकि एक्सीडेंट ज़्यादा होते वाल दीवार की वजह से, कि वाल दीवार होने की वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे, ट्रक पलटी हो रहे थे, कि वो चीज़ को रोकने के लिए यहाँ का बाईपास बंद किया गया था, ना कि खाली ओपनिंग करने के लिए, कि दोबारा से ओपनिंग करने के लिए और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम सत्ताधारी, हम यहाँ के काम करता करता धरता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इस घटना का जिम्मेदार है, चाहे वो PWD विभाग हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या यहाँ के सत्ताधारी पार्टी वाले हो, उन लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी इस चीज़ का चेतावनी देती है कि अगर एक महीने के अंदर वॉल दीवार का काम नहीं चालू किया गया तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठकर समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में और सिकंदर खान साहब के अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना आंदोलन करेगी। धन्यवाद।